नमस्कार। ऋषि मुनियों का वरदान एक आसन, जिसकी चर्चा मैं आपके उसके महत्व के साथ आज करना चाहता हूं। इस आसन को वैसे तो आपने आम तौर पर बटरफ्लाई के रूप में करते हुए देखा होगा, लेकिन वो बटरफ्लाई तो एक तरीके से उसकी एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए है। मूल रूप से आसन की अगर बात करें तो इसको करने के तरीके में थोड़ा सा हमें ध्यान करना है, और इसके लाभों की बात करूंगा तो आप इसको जरूर नियमित रूप से करेंगे। देखिए, हमारा शरीर तीन भागों में बटा हुआ है, चाहे आप इसको जो है सतो गुण, तमोगुण और रजोगुण में बांट सकते हैं। जो तमोगुण है वो गुण हमारा नाभि से नीचे के प्रदेश में माना गया है। नाभि से नीचे का प्रदेश यानी जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो हमारा प्रजनन तंत्र है, जो हमारे पूरे मन को कंट्रोल करता है, वो कामेच्छा और इस तरीके की भावनाएं जो है उसको कंट्रोल करने वाला नाभि से नीचे का प्रदेश है। और इसको सही करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए ऋषि मुनियों का एक वरदान हमें प्राप्त हुआ, जिसको बद्ध कोणासन कहा जा सकता है, बटरफ्लाई कहा जा सकता है, और इसको जो है यह बहुत अच्छा आसन यानी भद्रासन भी कहा जा सकता है। यानी इस आसन से आपके मन में एक अच्छा आचरण करने की इच्छा पैदा होगी, आपको एक मन में शांति संतुष्टि मिलेगी। अगर भौतिक रूप से बात करें तो माताओं बहनों के पीसीओडी पीसीओएस जो आजकल समस्याएं बताई जाती है, जो पीरियड्स टाइम की जो समस्याएं बताई जाती हैं, जो यहाँ के स्नायु के कमजोर होने की समस्याएं बताई जाती हैं, पैर कमजोर हो गए, जो पीरियड्स टाइम में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, प्रजनन यानी बच्चों को पैदा करने में समस्याएं हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी जो नाभि से नीचे से संबंधित है, उन व्यवस्थाओं उन चीजों के लिए हमारा ये एक ही आसन वरदान के रूप में हमें मिला हुआ है। इस आसन को आप भूलिए मत, कभी भी अपने योगासन की श्रृंखला में इसको बंद मत करिए। पुरुषों की बात करूं तो मूत्र संबंधी विकार तो है ही, बहुत सारे लोगों जैसे माताओं बहनों को अति मूत्र इच्छा होती है, अति मूत्र बहुत बहुत बार होता है, ऐसे ही पुरुषों को रुक रुक के मूत्र की जो है एक बड़ी समस्या होती है, और प्रजनन तंत्रों से संबंधित तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमारे उसके लिए बहुत सारे गुप्त रोग जिनको कहते हैं, बहुत सारे पैसे जो है उड़ा देते हैं, लगा देते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। मैं कहता हूं पैसे क्यों लगाते हैं, आप एक क्रिया को करके तो देखिए, एक महीने करके देखिए, फिर देखिए कितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत सिंपल सी क्रिया है, ऐसा बैठना ही तो है, इसमें करना क्या है हमें। इस क्रिया के अभ्यास को अगर नियमित रूप से आप कर ले, एक मिनट पहले दिन और उसके बाद में 5 मिनट तक लेकर जाइए इसको, नियमित रूप से इस तरीके से पंजों को आपस में मिलाना और घुटनों को नीचे की ओर खींचने का अभ्यास, ये अगर आपको ये अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो ये बटरफ्लाई भी आप इसमें साथ में जोड़ सकते हैं। ये हिलाना इसलिए कि ये नसें जो हैं यहाँ की सिवनी नाड़ी के आसपास की नसें पूरी खींचती है, दोनों तरफ की जब ये नसें खींचेंगी तो आपको नाभि से नीचे के प्रदेश में बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके चलने फिरने की चाल में फर्क महसूस हो जाएगा, आपको एक पॉजिटिवनेस जो है वो मिलेगी, मन जो एक अजीब से अशांति में था वो शांति आपको महसूस होगी। और ये एक ऐसा आसन है जो माताओं बहनों के लिए और पुरुष भाइयों के लिए सबके लिए परफेक्ट, लेकिन इसको करते हम नहीं है क्योंकि इसको हमने हल्के में ले रखा है। ये एक ही आसन है जो कि इतना वरदान है, जो हमारे इन तंत्रों के लिए कहीं कुछ है नहीं, और इन रोगों को हम किसी से चर्चा नहीं करते, और इनकी वजह से हम लाखों रुपए जो है वो अपने जीवन के लगा देते हैं, साथ में वो दिमाग जिसमें बहुत सारे हमारे अच्छे आइडिया हो सकते हैं उसमें हम टेंशन लिए घूमते हैं। आप एक बार मेरे कहने से जैसी मैंने प्रक्रियाएं बताई वो अगर है तो आप एक बार इस आसन को करिएगा। और जिसको नहीं भी है, 50 साल की उम्र में पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, मैं कह रहा हूं आप इसको 10 साल तक 40 साल से शुरू करो, वैसे तो बचपन से करो लेकिन 40 साल के बाद हमारे शरीर में तकलीफें शुरू होती है, आप इसको 10 साल कर लेंगे ना 50 साल में आपको प्रोस्टेट पड़ोस में भी नहीं आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। दोनों पैरों को इस प्रकार मिलाना है और एक मिनट ऐसे बैठना है, कोहनी सीधी, कमर सीधी, कमर सीधी रहेगी, और जो हमारी एड़ियां हैं उसको शरीर के पास लाने की कोशिश करना, जो ये पिंडलियां हैं जंगा है इसको आपस में मिलाने की कोशिश करना, ये कोशिश करना है। अगर आपका पैर इतना उठा रहे कोई बात नहीं, आप धीरे 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 अभ्यास करेंगे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना करते 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 पैर जो है वो एकदम से आपके सही स्थिति पर
आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आपकी स्थिति बन जाती है तो ये मान के चलिए कि आपकी लगभग ये नसें जो है खींचेंगी। अब अभ्यास बीच में रुक जाता है तो थोड़ा पैर ऊपर भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपका अभ्यास वापिस होगा, वापिस नीचे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन ये करना जरूरी है माताओं बहनों को, तो विशेष रूप से उन रोगों के लिए जिनका कभी कोई चर्चा नहीं हो पाती, वो ठीक नहीं हो पाते और उनसे बहुत हजारों लाभ मिलेंगे। एक बहन जी का मेरे पास एक मैसेज कमेंट में आया था कि बहुमूत्र की समस्या है, टॉयलेट बहुत ज्यादा आता है, बार बार आता है, ये आसन करिएगा, आपको उससे अच्छा लाभ जो है मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, रोग जो है उसके कारण हजारों होते हैं, लेकिन मूल रूप से नसों से संबंधित, कमजोरी से संबंधित अगर आपको रोग है तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो रोज सुबह 1 मिनट से शुरुआत करना, 5 मिनट तक का अभ्यास ऐसे ही पकड़ के, कमर सीधी, कोहनियां सीधी और इस तरीके से पूरा खींच के रखना। ये बद्ध कोणासन भी कहते हैं, उपविष्ट कोणासन भी कहते हैं, भद्रासन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। और यही अभ्यास आपको जो है दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, जब आपका भोजन हो जाए, भोजन के 2 घंटे बाद इस आसन को उस समय भी किया जा सकता है, उन लोगों को जब उनके तकलीफ हो उस समय ये चीजें जो है वो की जा सकती है। लेकिन बहुत भारी तकलीफों में, घुटना नहीं मुड़ रहा, हमारे ऑपरेशन बताया हुआ है, ऐसी कुछ स्थितियां हो तो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। और ये करके कभी सीधा पैर खोल के उठ के नहीं चलना, इसको पैरों को आगे खोल लीजिए और धीरे धीरे थोड़ा पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं जो है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आसन में ये जो नसें हैं ये बहुत नाजुक नसें हैं, इनको हमें करके एकदम से तनाव में नहीं देना, इनको बहुत आराम से पहले इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पहुंचाते हुए ऐसे पैर की अंगुलियों को आगे पीछे करते हुए 2-3 मिनट ये करिए और पिंडलियों को हल्का हल्का ऐसे मूवमेंट करिए। ये मूवमेंट करने से आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा और इस आसन के भरपूर लाभ, भरपूर फायदे आपको मिलेंगे। ये वरदान है तो वरदान की तरह ही इसको जीवन में अपनाइएगा। मैं कहता हूं इसके हजारों लाभ हैं, आप करके खुद भी मुझे बताइएगा और जरूर करिएगा। ये केवल आपको एक याद दिलाने के लिए मैंने बताया, बाकी आता सभी को है लेकिन करना बहुत जरूरी है। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।